नमस्कार। राष्ट्रपति चुनाव। द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस ने लगाया विधायकों को रिश्वत देने का आरोप, चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस बीच कांग्रेस ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू व अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी नेताओं पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस का आरोप है कि विधायकों को वोट के लिए रिश्वत दिया गया था। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को आने हैं। आरोप के मुताबिक अपने पक्ष में मत देने के लिए विधायकों को प्रशिक्षण देने के बहाने 5-स्टार होटल में ठहराया गया। होटल में विधायकों को भोजन, आलिशान कमरे, शराब और मनोरंजन की दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। इसे कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। धन्यवाद।